हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस दिस इज मोहित आनंद एंड फाइनली आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी द फर्स्ट मॉक टेस्ट फॉर योर टॉपिक दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के सो जो ये जे एंड के वाला पूरा पोर्शन है आपका पूरा कॉम्पोनेंट है विच कैरीज ट्वेंटी मार्क्स एज फॉर एज योर अकाउंट असिस्टेंट इज कंसर्न एज एंड ट्वेंटी मार्क्स फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ऑल्सो सो दिस इज़ अ व वेरी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट सो दिस इज़ द फर्स्ट मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट ये कैसा है कि कंबाइंड है सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स को टच किया गया है इसमें सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इसी तरह पूरी की पूरी सीरीज चलेगी पच्चीस <coughs> से तीस मॉक टेस्ट जो हैं वो सिर्फ इस एक कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट पर जो है वो रहेंगे सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर वन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन के इन टू फोरस ऑन सो आपको यू नो एग्ज़ाम में ये चीज़ दी भी गई है स्पेसिफिक टॉपिक है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें हम इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजनस हैं उनको पढ़ेंगे बट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये फोर्स में कब आया सो योर ऑप्शन आर गिवन ऑन द स्क्रीन सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर द राइट आंसर इज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन सो इकत्तीस अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को ये एक्ट फोर्स में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिस इज फ्रॉम योर जोग्राफी वाला या जो आपका क्लाइमेट वाला पोर्शन है वहाँ से है द क्वेश्चन इज द टेम्परेट साइक्लोन्स टेम्परेट साइक्लोन्स पर्टिकुलरली यू नो इंडिया के मानसून के कॉन्टेक्स में हम देखें अगर तो जो मेडिटरनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं दे हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन में से किसके ऊपर टेम्परेट साइक्लोन्स का इफेक्ट होता है सो द ऑप्शन आर समर रेनफॉल विंटर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल इन साउथ इंडिया और नन ऑफ द अब सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ विंटर प्रेसिपिटेशन पूरे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी विंटर में बर्फबारी और बारिश होती है दैट इज ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स ऑरिजिनेटिंग इन द मेडिटरियन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया सो इंडिया में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ प्रोड्यूस की जाती है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ बिहार बिहार इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर हैज़ बिन नेम्ड एज़ असिकनी इन ऋग्वेद सो ऋग्वेद में किस रीवर का नाम असिकनी है सो यर ऑप्शन आर हेयर जेलम चिनाब गैजेज और यमुना यानी गंगा या यमुना सो रिमेंबर द राइट आंसर इज चेनाब चिनाब का जो नाम है ऋग्वेद में इट इज़ असिकनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एज़ पर आई यू सी एन रेड लिस्ट वॉट इज़ दस कश्मीर स्टैग और हंगुल हंगुल यू नो इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ डियर सो इसका आई यू सी एन की जो रेड लिस्ट है उसमें क्या स्टेटस है यह आपको बताना है रिमेंबर यू हैव अ टॉपिक फ्लोरा एंड फोना ऑफ जे एंड के सो फ्लोरा एंड फोना में आपको ये चीज़ें कवर करनी है सो so, रिमेंबर Uh, जो आई यू सी एन की रेड लिस्ट है आई यू सी एन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स सो उस वो एक मेंटेन करती है रेड लिस्ट विच इज़ अ लिस्ट ऑफ़ दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटनड और जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जो एंडेंजर्ड हैं ठीक है सो so, वही पूछा कि उस लिस्ट में हंगुल का स्टेटस क्या है सो रिमेंबर द हंगुल इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द डाचीगाम नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन दर सो जो डाचीगाम नेशनल पार्क है इसको नेशनल पार्क का जो टैग है वो कब दिया गया था सो यर ऑप्शन आर देयर ऑन द स्क्रीन द राइट आंसर इज़ नाइनटीन एट्टी वन बना है शायद नाइनटीन हंड्रेड एट में था बट इसको नेशनल पार्क का स्टेटस जो है वो नाइनटीन एट्टी वन में दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलाहोई पीक कोलाहोई पीक रिमेंबर इट इज़ दाइस्ट माउंटेन पीक इन जे एंड के इज़ लोकेट इन विच डिस्ट्रिक्ट सो so, रिमेंबर कोला हुई पीक जो है वो सोनमर्ग के आसपास कहीं प्रेजेंट है इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सो so, ये ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू डाचीगाम नेशनल पार्क इनमें से कौन सा रिवर डाचीगाम नेशनल पार्क के बीच से होके गुजरता है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज दगवान तो दगवान रिवर फ्लोज थ्रू डाचीगाम नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन द सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिसिव्ड प्रेजिडेंशियल एसेंट ऑन सो सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको प्रेजिडेंट ने कब अपनी असेंट या अपनी रजामंदी दी थी सो यर ऑप्शन आर देर ऑन द स्क्रीन रिमेंबर द राइट आंसर इज ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी थ्री एंड दिस इज द अमेंडमेंट विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसपैलिटीज़ इन इंडिया यू हैवे फुल फ्लैज टॉपिक दैट इज सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ रियल नेम वॉज जून सो इनमें से किस पर्सनैलिटी का रियल नेम जो था वो जून था सो द योर ऑप्शन आर देयर ऑन द स्क्रीन सो रिमेंबर द राइट आंसर इज ह्ब्बा खातून हब्बा खातून हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नाइटिंग गेल ऑफ कश्मीर हर रियल नेम वॉज जून क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following personality was an Indian National Congress nominee on the Radcliffe Commission? You know, Radcliffe Commission is related is the boundary commission which demarcated boundaries between India and Pakistan. So, Indian National Congress ki taraf se official nominee Radcliffe Commission ki taraf इनमें से कौन था सो दियर ऑप्शन आर मेजर जनरल जनक सिंह शेख अब्दुल्ला एम सी महाजन और गुलाम मोहम्मद सो रिमेंबर द राइट आंसर इज एम सी महाजन हु वॉज ऑल्सो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू नो जे एंड के स्टेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग दूर रूलरशिप ऑफ योर हरी सिंह महाराजा हरी सिंह के टाइम पे एम सी महाजन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो ही वॉज ऑल्सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन द रेड क्लिफ कमीशन सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटीज़ क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सनैलिटीज़ हु वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के वैन द पोजीशन वॉज रीनेम्ड टू चीफ मिनिस्टर नाइनटीन सिक्सटी फाइव में जो प्राइम मिनिस्टर का नॉमन क्लेचर चेंज करके चीफ मिनिस्टर ऑफ जे के कर दिया गया था तो वही पूछा गया कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था जब नाम चेंज किया गया सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ गुलाम मोहम्मद सादिक सो so, गुलाम मोहम्मद सादिक वाज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के वैन दिस पोजिशन वॉज रीनेम्ड एज द चीफ मिनिस्टर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर हुज़ प्राइम मिनिस्टरशिप डॉक्टर करण सिंह सर्वड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर डॉक्टर करण सिंह यू ऑल नो ही वॉज दन ऑफ महाराजा हरी सिंह सो ये किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में मतलब यूनियन में सेंटर में किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये यूनियन मिनिस्टर रहे हैं एजुकेशन और कल्चर के सो रिमेंबर चौधरी चरण सिंह की प्राइम uh, मिनिस्टरशिप में ही वॉज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव नॉट बीन कन्फर्ड द पॉवर टू एम्पावर म्यूनसिपैलिटीज़ विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देखो इन्होंने क्या बोला है कि सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर स्टेट लेजिस्चर को इनमें से कौन सी ऐसी पावर नहीं दी गई कि वो म्यूनसिपैलिटीज़ को दे सके सो द योर ऑप्शन आर प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डिवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस ये पावर दी गई है कि वो म्यूनसिपैलिटीज़ को दे सकती है मैनेजमेंट ऑफ़ लॉ एंड ऑर्डर ये वाली पावर नहीं है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट अपने पास रखता है वो म्यूनिसपैलिटी को उसने नहीं दिया गया है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट ने अपने पास रखा है ये वो म्यूनिसपैलिटीज़ को नहीं दे सकती पावर क्लियर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सारा पुलिस ने देखना है सो so पुलिस जो अल्टीमेटली स्टेट के कंट्रोल में होती है ना कि म्यूनसिपलिटीज के कंट्रोल में उसको दिया जा सकता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन यू ऑल नो तीन तरह की अंडर सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज सो वो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं नगर पंचायत म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सो so, किसके लिए ट्रांजिशनल मतलब रूरल अर्बन एरिया के बीच का जो एरिया वो हो गया ट्रांज़िशनल एरिया उसके लिए देर इज़ ए नगर पंचायत स्मॉल अर्बन एरियाज़ हैं तो म्यूनसिपल कौंसिल और लार्ज अर्बन एरियाज़ हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सो so, उन्होंने वही पूछा है कि ये जो एरियाज़ हैं ट्रांजिशनल स्मॉल अर्बन या लार्ज अर्बन ये किस बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं गवर्नर कैसे स्पेसिफाई करता है कि कोई कौन सा एरिया ट्रांजिशनल एरिया कौन सा एरिया अर्बन है और कौन सा एरिया लार्ज अर्बन एरिया है सो योर ऑप्शन आर लाइक दिस चॉइसेस दी हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यस, इसको देखा जाता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ये भी देखा जाता है नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन एरिया ये नहीं देखा जाता सो वन और टू ये दो चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी चीज़ एरिया को डिक्लेयर करने के लिए एज ट्रांजिशनल एरिया स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दो स्टेटमेंट्स दी हैं आपको बतानी है सही कौन सी है करेक्ट कौन सी है सो अ पंचायत इलेक्टेड इन प्लेस ऑफ डिजॉल्व वन डज नॉट इन्जॉय द फुल पीरियड बट रिमेंस इन ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड आफ्टर द डिजोल्यूशन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर एक पंचायत जो है वो समय से पहले डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके बाद जब दोबारा उसके इलेक्शन होंगे तो वो पूरा पाँच साल का टर्म नहीं लेगी वो पीछे बचा हुआ टर्म जो उसका रहेगा मान लीजिए कोई पंचायत है वो तीसरे साल में ही डिज़ोल्व हो गई दोबारा से इलेक्शन हुए अब वो इसके बाद पाँच साल राज नहीं करेगी या पाँच साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी वो बचे हुए दो सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी पहली दूसरी पंचायत में सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन बट नॉट फॉर बैकवर्ड क्लासेज सो रिमेंबर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्यों एस और एस के लिए जो है वो ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन की गई है सीट्स रिजर्व विमेन के लिए थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन दी गई है बट जब बात आती है बैकवर्ड क्लासेस की तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई है पर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन <coughs> दे सकती है सो so, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस प्रोबेबली विल बी द लास्ट क्वेश्चन या जाना लंक जाइना लंक इज़ एन आर्टिफिशियल आईलैंड लोकेटेड इन बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किस में एक आर्टिफिशियल आईलैंड है जिसका नाम है जाइना लंक सो यर ऑप्शन आर डल वुलर गंगबल और जेलम सो रिमेंबर द राइट आंसर इज वुल्लर लेक सो वुल्लर लेक में एक आईलैंड है जिसका नाम है जायना लंक सो दीज आर द्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू योर दिस कॉम्पोनेंट पहला मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया जस्ट अ बेसिक मॉक थिंग आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आपका ये पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट बड़े अच्छे से प्रिपेयर होगा और इसके साथ ही जो जनरल नॉलेज वाला दूसरा कॉम्पोनेंट है फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए वो भी हम कवर करेंगे इसी तरह के मॉक टेस्ट ले के. और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा सो विद दिस आई लेंट दिस वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो so एक नई वीडियो के साथ आई विल कम सून टेक केयर वॉट ब्लेस यू ऑल